खुशामदीद मोहतरम नासरीन, आप तमाम का DMD न्यूज में खैर मकदम है। आज बतारीख 26 जनवरी बरोजे जुमा यानी यौम जमहूरिया रिपब्लिक डे के इस बाविकार मौके पर अंबरपेट असम्बली हल्के के तहत मुकरम होटल के रूबरू में मुकरम होटल के प्रोपराइटर जनाब रफीक हुसैन खदीरी और मुतालिका ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदारान और कायदीन की जेर निगरानी में मुनक्किद किया गया। इस मौके पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के MLC मिर्जा रहमत बेग कादरी के बदस्ते मुबारक परचम कुशाई का प्रोग्राम अहतमाम किया गया। इस मौके पर अलहाज मोहम्मद समीउल्ला खदीरी, मोहम्मद फारुखुद्दीन, मोहम्मद मोहसिन, अब्दुल खदीर खान खदीरी, शेख सईद अखिल बाबा, सैयद रहीमुद्दीन, मन्नान हाशमी, मुजीब शरीफ खान और दिगर कई सारे सियासी लीडरान और मुकामी लोगों की भी यहां पर कसीर तादाद मौजूद थी। तमाम ने मिलकर परचम कुशाई का अहतमाम करते हुए एक दूसरे को इस तरह रिपब्लिक डे की मुबारकबादें भी पेश की। देखते हैं इस खसूस में चंद मनाजिर। नुमाइंदा रिपोर्टर सैयद अब्बास रजवी की DMD न्यूज के लिए यह खसूसी रिपोर्ट। तमाम देशवासियों को योम रिपब्लिक डे मुबारक। आज अंबरपेट हल्के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से जनाब इज़्ज़त माप मिर्ज़ा रहमत बेग साहब MLC यहाँ पर मरकज़ी अंबरपेट के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चौरस्ते पर आकर ये रिपब्लिक डे का झंडा जो लहरा है, इसके अंदर तमाम अंबरपेट के मजलिस के इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मुतमदीन और सरगराम कारकुन ने हिस्सा लिए। अल्हम्दुलिल्लाह बरसा भर से ये तकरीबन ये 75वां साल योम जमहूरियत मनाया जा रहा है। इसके अंदर मैं तमाम सब लोगों को मैं मुबारकबाद देता हूँ। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आज मुकर्रम होटल के सामने मुकर्रम मैनेजमेंट और मुकर्रम होटल के ओनर जनाब मोहम्मद रफ़ीक हुसैन खदीरी साहब और इब्तदाई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अंबरपेट की जानिब से जश्न जमहूरिया हिंद आलीशान पैमाने पर मनाया गया। इस सिलसिले में झंडा वंदन किया गया कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मौजूद रुकन खानून साज कौंसिल आली जनाब मिर्ज़ा रहमत बेग साहब ने अपने दस्ते मुबारक से यहाँ पर झंडा वंदन किया। मजलिस के तमाम सुदूर और मोतमदीन इस महफिल में शिरकत किए। मैं तमाम बरादरान वतन से मुल्क की 75वीं जश्न जमहूरिया के सिलसिले में मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ और ये उम्मीद रखता हूँ कि हम तमाम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलकर इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ हिंदुस्तान के इस क़ानून और हिंदुस्तान के इस आईन की हिफाजत करेंगे और हिंदुस्तान का जो क़ानून है सारी दुनिया का सबसे बेहतरीन क़ानून है। हम तमाम इस बात का अहद करते हैं आज के दिन कि हम तमाम मिलकर हिंदुस्तान के इस आईन का हिफाजत करेंगे। शुक्रिया।